अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रॉम कतर। और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसका नाम है गिवान आइलैंड, जो कि कतर का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और आज यहाँ आने का जो मेन मकसद है, दरअसल यहाँ पे जाने एक बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉक। और इस वॉकिंग स्ट्रीट की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रिस्टल बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर बहुत सारे फ्लोर बॉक्स है जिनकी थीम्स रखी गई है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, स्नो एंड सी, उस बेस पे जो है ना बहुत सारा आर्ट वर्क दिखाया गया है। और ये क्लाइमेटाइज्ड जो है ना वॉकिंग स्ट्रीट है, आप किसी भी मौसम में यहाँ आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना दो क्लॉक टावर है जिनके साथ आप फोटोग्राफी कर सकते हो, जो कि एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है इसके अंदर फोटोग्राफी करने के लिए। तो बाकी की बातें अंदर करेंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे पूरी स्ट्रीट। तो चलते हैं अभी अंदर। और मेरे पीछे जो ये आप एक पोल देख रहे हो, दरअसल यही है जो शेड पोल है। और ये कम से कम इसके अंदर 14,000 स्क्वायर मीटर जो है ना शेड कवर करते हैं। तो चलते हैं। इसके अंदर स्पीकर भी लगे हुए हैं, अभी कुरान की तिलावत हो रही है तो उसका स्पीकर लगा हुआ है इसमें। आज जुमे का दिन है तो इस वजह से। और यहाँ भी देख सकते हो आप, ये इस तरीके की कुछ जो है ना फ्लोर बॉक्स है, ये इस तरह की कुछ फ्लोर बॉक्स है। क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो इतने ज़्यादा साफ दिख नहीं रहे, आँखों से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन कैमरे में उतना साफ क्लियर जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें लाइटिंग उतनी नहीं आ रही। लेकिन रात के टाइम जो है ना इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइटों के साथ जब ऑन होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये जो है ना एक किस्म का आर्ट वर्क है जो इसमें दिखाया गया है। और इस तरीके से जो है ना कुछ एयर कंडीशन बनी हुई है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं और इस तरफ जो है ना एक क्लॉक टावर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ये भी क्रिस्टल क्लॉक टावर है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। थोड़ा करीब में जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी हाइट लगभग 5 मीटर है और ये ऐसे दो टावर बनाए गए हैं जो कि इस जगह पे एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फोटोग्राफी करने के लिए। ये सेम ऐसे फ्लोर बॉक्स जो है ना पूरे में बनाए गए हैं और ये चार थीम है बेसिकली, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो कि डेजर्ट, स्नो और सी और फॉरेस्ट के बारे में है। और इस तरफ भी ये सेम ऐसे ही, ये पोल तो सारे एक जैसे हैं, देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, लोकेशंस थोड़ी डिफरेंट है और देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं आपको। इस तरफ भी देखोगे तो ये, और एसीज बहुत सारी इसमें लगाई गई हैं। इसका एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट तो ये है, उसके अलावा भी हम आगे चलेंगे। और इसके अंदर जितने भी फ्लोर बॉक्स है ये एक किस्म का जो है ना एल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि मतलब लाइटों के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि रात में भी जो है ना यहाँ के कुछ शॉट ले सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि रात में कैसा लगता है ये। अभी थोड़ा सा दूसरा, ये एक छोटा सा, एक किस्म से ये समझ लो कि एक बहुत ही छोटा सा इसका पार्ट है, एक साइड में बना हुआ ये वो है, क्योंकि ये क्या है ना ये रेजिडेंशियल टावर्स हैं सारे तो उनके बीच में ये वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है। और ये इसका सेकेंड पार्ट है, डिज़ाइन इसका भी सेम है लेकिन लोकेशन और जो है ना बाकी की चीज़ें जो है ना डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके फ्लोर बॉक्स डिफरेंट है। और इसके अंदर जो है ना आपको अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा, इसके अंदर भी जो है ना UDC के जो प्रोजेक्ट्स है उसका भी जो है ना उन्होंने एक एग्जीबिशन टाइप का बनाया हुआ है। सेम ऐसे ही फ्लोर बॉक्स इस तरफ है
और ये सारे शेड्स हैं वो। और मुझे पेड़ भी लग रहा है आर्टिफिशियल ही है। ये वाला इसका मेन अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन बोले तो इसका सेंट्रल वाला पार्ट है ये, क्योंकि ये तीन पार्ट में बना हुआ है, एक पीछे था। और ये पूरा जो है ना, पूरी स्ट्रीट जो है ये रेजिडेंशियल टावर्स के बीच में बनी हुई है पूरी स्ट्रीट। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस स्ट्रीट के बिल्कुल सेंट्रल वाले एरिया में। यहाँ से मैं चारों तरफ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, इस तरफ भी है ये सारे शेड्स, और इस तरफ भी। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बिल्कुल इसका सेंटर वाला पार्ट है। और ये कमाल की बात ये कि यूडीसी ने अपना जो है ना एक एग्जीबिशन, क्रिस्टल आर्ट एग्जीबिशन वाला भी यहीं पे लगाया हुआ है। ये देख सकते हो आप यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी, क्योंकि स्ट्रीट जो है ना इसने यूडीसी ने बनाई है, तो इसलिए उन्होंने जो है ना अपना एग्जीबिशन भी इसी में लगा दिया। और ये फाउंटेन चल गए हैं जिनका मैं तब भी इंतज़ार कर रहा था, कि फाउंटेन शुरू हो गए हैं। हालांकि लाइट्स भी ऑन है इनकी, लेकिन अभी उतनी प्यारी लग नहीं रही है, क्योंकि नाइट में जो है ना काफ़ी प्यारा लगता है। वन बाई वन ऑन होंगे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सेम वैसा ही है जैसा पूरा है, बस आर्ट वर्क सब जगह अलग अलग है। ये पोल सब जगह सेम है, इनके ऊपर जो है ना जो क्रिस्टल आर्ट वर्क है वो भी थोड़ा सा अलग है, बाकी पोल सब सेम है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फॉरेस्ट का फ्लोर बॉक्स है इस तरीके के, हालांकि इतने ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे, क्योंकि इन पर शेडो है ऊपर से, जो शेड बने हुए हैं उनकी सबकी वो है। ये सब भी ऐसे ही है, मतलब बढ़िया क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन नाइट में शायद मुझे लगता है कि अच्छा दिखेगा ये लोग। ये सब भी जो है ना वही पूरा
फॉरेस्ट आर्ट वर्क है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत फाउंटेन्स चल रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे प्यारे फाउंटेन चल रहे हैं। और ये दूसरा क्लॉक टावर यहाँ पे बना हुआ है, ये भी क्रिस्टल क्लॉक टावर है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसके दूसरी अपोजिट साइड में उस तरफ आखिर में हमने देखा था वो उस तरफ बना हुआ है। घूमते घूमते बहुत देर हो गई है, इन्होंने दूसरा हल्का हल्का म्यूज़िक भी लगा दिया है। अब गुस्सा आने लग गया है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि म्यूज़िक के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि फिर आपको जो है ना म्यूज़िक रिमूव करने के लिए उसको म्यूट करना पड़ता है, उसकी जगह कुछ और डालना पड़ता है, म्यूज़िक डालना पड़ता है। तो इससे पहले कि इससे ज़्यादा इसको म्यूज़िक को लाउड करे तो हमें थोड़ा सा जो है ना बाहर निकलना चाहिए। और आए हुए भी काफ़ी देर हो गई, घूमते घूमते थक भी गए हैं, तो अभी थोड़ा सा और बाकी वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, बेचारे हर कोई घूमने के लिए निकल जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरफ इसका लास्ट होल है और इस तरफ वो आखिर तक लगभग जाने 450 मीटर लंबा है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्यारा है, देखने में काफ़ी अच्छा लगा है मुझे पर्सनली। मेरे को बहुत ही लग्जरियस टाइप की जो है ना लाइफ लगी है यहाँ आके, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये है भाई डेजर्ट थीम पे बेस्ड। अगर आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक और जो है ना मशीनरी में इंटरेस्ट है तो ये उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एक बढ़िया फ्लोर बॉक्स हो सकता है। और इस तरफ भी ये सेम ऐसे ही जो है ना ये रेसिंग कार्स का बना रखा है। इस वॉक स्ट्रीट के जो क्रिस्टल वॉक स्ट्रीट है इसके दूसरे पार्ट में, ये थोड़ा सा जो है ना समुद्र के किनारे बनाई गई है। इसमें भी जो है ना बहुत सारा जो है ना आर्ट वर्क दिखाया गया है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो इस तरफ जो है ना कुछ बहुत ही खूबसूरत जो है ना पेड़ बना रखे हैं, ये भी क्रिस्टल आर्ट वर्क इन पे देख सकते हो आप। और इस तरफ जो है ना ये समुद्र है, उसके अलावा कुछ होटल्स हैं ये। और यहाँ पे अगर देखोगे आप ये पूरा आर्ट वर्क दिखा रखा है और इस तरफ भी आगे तक बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। हालांकि मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना टाइमिंग थोड़ी गलत है कुछ, मैं सुबह के टाइम इसलिए आया हूँ क्योंकि सुबह के टाइम मॉर्निंग में ईजिली वीडियो बन जाती है, शाम के टाइम में फैमिलीज आती है, छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है तो उस टाइम में वीडियो नहीं बन पाती, तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। सो गाइज मेरा आज का वीडियो ये क्रिस्टल वॉक जो कि एक वॉकिंग स्ट्रीट है गिवान आइलैंड पे बनी हुई, इसके बारे में था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है, काफ़ी प्यारी है। लेकिन यहाँ मैं दरअसल मॉर्निंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि इवनिंग में जाने एक तो यहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है
दूसरे जो है ना यहाँ पे लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है और फिर फैमिलीज घूमती रहती है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में आया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हो सकता है मैं आज शाम को, अगर मुझे टाइम लगा तो शाम को एक बार आके यहाँ पे जो है ना आपको नाइट के भी कुछ सीन दिखा सकूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आप कतर में रहते हो और यहाँ घूमना चाहते हो तो बता दूँ इसके लिए जो है ना आप मेट्रो से आ सकते हो, अपनी कार से आ सकते हो। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में आओ, पार्किंग इजीली मिल जाएगी फ्री वाली, अदरवाइज़ आपको 30 रियाल पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो लगतफिया मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो स्टेशन पे उतर के वहाँ से आप बस पकड़ के थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आ सकते हो। और इसी के साथ वीडियो को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।